गुड मॉर्निंग सर, माय सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। टुडे वी स्टडी अबाउट इम्पल्स रिस्पॉन्स कैरेक्टराइजेशन एंड कन्वोल्यूशन इंटीग्रल फॉर कंटिन्यूस टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। नाउ जहाँ तक इस टॉपिक की बात है जी, तो ये टॉपिक समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स का पता होना चाहिए, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, और वो दोनों हमको नहीं पता। ठीक है, ना तो हमें कुछ इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में पता है, ना तो कुछ कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के बारे में पता है। तो अगर मैं समझूं तो कंट्रोल सिस्टम हम सब लोगों ने पढ़ लिया है, वी ऑलरेडी स्टडी दी कंट्रोल सिस्टम, और आपको बेसिक आइडिया होगा कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो उसके अंदर क्या होता था, कोई पर्टिकुलर सिस्टम होता था, उसको आप इम्पल्स इनपुट देते थे, यूनिट स्टेप इनपुट देते थे, कोई भी पर्टिकुलरली इनपुट देते थे, इनपुट सिग्नल सिस्टम को प्रोवाइड करते थे, और उसके बाद आपको कुछ आउटपुट मिलता था। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम को मैं इम्पल्स इनपुट दे रहा हूँ, तो उसका जो आउटपुट मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, इम्पल्स, उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स। इफ आई विल गिव द इम्पल्स इनपुट टू सम पर्टिकुलर सिस्टम, देन I will get the impulse response. Okay. अब convolution integral क्या होता है वो step by step हम समझते हैं। First of all तो continuous time integral को हम समझने की try करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कोई x of t है versus t का कोई graph, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को जो x of t versus t का ग्राफ मिल रहा है, वहां पे मेरे को कुछ कंटिन्यूस सिग्नल मिल रहा है। ओके, समझो कि जो भी हमारा ग्राफ है वो सिर्फ ये जो लाइन है कंटिन्यूस लाइन वो है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ टाइम ड्यूरेशन पे सिग्नल देख रहा हूँ। ओके, ये पॉइंट पे मेरे को यहाँ पे ये सिग्नल मिल रहा है, ये पॉइंट पे यहाँ पे ये सिग्नल मिल रहा है, ये पॉइंट पे ये मेरे को यहाँ पे ये सिग्नल मिल रहा है। तो अप टू इंफिनिटी मेरे को कुछ ना कुछ सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं इसको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर क्या कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। ओके, ये पर्टिकुलरली इतने से इतने टाइम ड्यूरेशन में ये रेक्टेंगुलर शेप मेरे को मिल रहा है, इतने से इतने टाइम ड्यूरेशन में ये रेक्टेंगुलर शेप मिल रहा है। वैसे हमको लास्ट में यहाँ पे ये कुछ सिग्नल मिल रहा है, अप टू सो ऑन मेरे को कुछ ना कुछ रेक्टेंगुलर शेप के अंदर मेरे को कुछ ना कुछ सिग्नल मिलेगा। ओके, अब बात होती है कि ये जो भी पर्टिकुलरली है, ओके, उसके अंदर हम कंटिन्यूस टाइम इंटीग्रल फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो ओके, if we have this rectangular shape and if we can assume that the rectangular pulse can be approximated by delta of t, okay, delta of t kya hai hamara approximated रेक्टेंगुलर पल्स, ओके, वो भी कितने टाइम पे, कुछ डेल्टा टी टाइम पे। ओके, मेरे को कुछ ये रेक्टेंगुलर पल्स मिल रहा है डेल्टा ऑफ टी। ओके, अब ये डेल्टा ऑफ टी क्या है, एक इम्पल्स है। ठीक है, ये डेल्टा ऑफ टी क्या है, मेरे पास कोई इम्पल्स है। ओके, जो कब एग्जिस्टिंग में होगा कि जब भी आपका t = 0 होगा, तो यानी इफ
delta of t tends to 0, we can get this delta of t, which is impulse. अब अगर मैं क्या कर रहा हूं कि जो भी पर्टिकुलरली ये है ओके, उसका मैग्नीट्यूड x of t से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ओके, ये पर्टिकुलरली जो भी हम सिग्नल ले रहे हैं, इनपुट सिग्नल जो यार मेरे पास है, उसको x of t में डिनोट करता हूं, और उस पर्टिकुलरली कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को मैं x of t के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो उस टाइम की कंडीशन में जो ये x of t शिफ्ट हो रहा है ओके t टाइम सेकंड पे ओके, अगर मैं उसको डेल्टा ऑफ t कंसीडर करता हूं ओके, तो उस टाइम की कंडीशन में क्या हो सकता है कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, ध्यान से अभी समझना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि t इज इक्वल टू 0 टाइम सेकंड पे x ऑफ 0 होगा इनटू डेल्टा ऑफ t होगा ओके, नहीं पता चला, ठीक है चलो। अब मान लो कि t इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 5 सेकंड ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 0 लिखा था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा x of 5, और इनडायरेक्टली हो क्या रहा है कि 5 सेकंड पे हमें कुछ ना कुछ ये सिग्नल मेजर करना है, तो मैं क्या लिखूंगा कि ये डेल्टा क्या था, शिफ्टेड, जो भी हमारा शिफ्टेड ऑपरेशन होता था ना ओके, उसके लिए हम डेल्टा को डिनोट कर रहे हैं ओके, तो डेल्टा इनडायरेक्टली शिफ्ट प्रॉपर्टी के लिए है, तो डेल्टा टी माइनस ऑफ 5 ओके, पता चल रहा है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं वो समझो कि पर्टिकुलरली ये वाला जो भी ऑप्शन है ना ओके, वो क्या है कि ये x ऑफ 5 के लिए यानी x ऑफ t क्या है कि ये इनपुट सिग्नल है, x ऑफ 5 यानी क्या 5 सेकंड पे हमें कितना मैग्नीट्यूड मिलेगा वो ओके, यानी ये यहां से आप डिनोट कर सकते हैं ओके, तो डेल्टा ऑफ t माइनस 5 किस तरह आपका रिप्रेजेंट होगा, तो इस तरह रिप्रेजेंट होगा ठीक है। अब मेरे पास तो यहाँ पे मल्टीपल्स है ना ओके, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर पल्स है, ये रेक्टेंगुलर पल्स है, अप टू इन्फिनिटी रेक्टेंगुलर पल्स है ओके, तो उसको मैं जनरलाइज फॉर्म में कैसे डिनोट कर सकता हूँ, तो इस तरह डिनोट कर सकता हूँ x of t is equal to minus of infinity to plus of infinity x of tau into delta t of tau d tau, पता चल रहा है ओके, और उस टाइम की कंडीशन में अगर 5 सेकंड पे यहाँ पे लिखना चाहते हो तो 5 लिखो, डेल्टा ऑफ t माइनस आपका 5 आएगा ओके, और यहाँ पे आपका dt आएगा ठीक है, तो ये इनलाइनली रिप्रेजेंट क्यों हमें करना है, वाई वी रिक्वायर्ड कंटिन्यूस टाइम इंटीग्रल ओके, ये इनडायरेक्टली अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जाए कि एक्सप्लेन दी कंटिन्यूस टाइम इंटीग्रल ओके, तो आपको क्या करना होगा, ये वाले इक्वेशन तक उसको डिराइव करना होगा, काफी सिंपल है, सिर्फ कंटिन्यूस टाइम का जो भी सिग्नल है उसको पहले रेक्टेंगुलर पल्स के अंदर कन्वर्जन पहले किया गया है ओके, और ये जो कन्वर्जन किया गया है और ये जो कन्वर्जन किया गया है उसके ऊपर से हमें ये इक्वेशन लाना है, काफी इजी है, ये हमें क्यों करना है, क्योंकि हमारी जो मेन थियरी है इंपल्स रिस्पांस कैरेक्टराइजेशन एंड कन्वोल्यूशन इंटीग्रल फॉर सीटी एंड एलटीआई सिस्टम, तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड ओके, तो ये वाला इक्वेशन आपको पता चल गया होगा, उसके बाद देखो। अब बात आती है कि ये तो था कंटिन्यूस टाइम इंटीग्रल, लेकिन हमें क्या करना है, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल करना है ओके, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे x of t पहले इनपुट था, y of t आपका आउटपुट है ठीक है, x of t कुछ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को आप दे रहे हो और उससे हमको क्या मिल रहा है, y of t आउटपुट हमें मिल रहा है ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी मेनली इक्वेशन है वो किसके अंदर कन्वर्जन हो गया,
x of t is equal to minus of infinity to plus of infinity x tau into delta of t minus tau into d tau. ओके okay? यहां तक हमने थियरी समझ ली है. ओके अब बात होती है कि अगर ये कोई सिस्टम था. ओके अब हमें कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के लिए समझना है. ओके तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे जो भी इनपुट था x of t, ओके तो उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डेल्टा ऑफ t में. अब डेल्टा ऑफ t क्या है? यूनिट इंपल्स सिग्नल है. ध्यान से समझना, इट इज यूनिट इंपल्स सिग्नल डेल्टा एन सॉरी डेल्टा ऑफ t. ओके उससे हमें आ रहा है जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो क्या आएगा? इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ इनपुट. ओके तो इसके लिए मैं y of t क्या लिख सकता हूँ? y of t is equal to t delta of t. ओके जो यहाँ पे मेरा ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए t लिखा गया है और delta of t दिया गया है. अब अगर मान लो, assume करो कि मेरा जो भी आउटपुट है वो y of t है, सॉरी h of t है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पूरी के पूरे फिगर को इस तरह लिख सकता हूँ, डेल्टा ऑफ टी इनपुट एल टी एस सिस्टम में गया वो और आउटपुट मेरा को क्या मिला? वाई ऑफ सॉरी एच ऑफ टी मिला. ठीक है, नाउ वी हैव लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. ओके ये सिर्फ हम कहाँ पे समझ रहे थे कि चलो मैंने कुछ इनपुट दिया कुछ आउटपुट निकल गया. ओके अब बात हो रही है कि एक्चुअली लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा उस टाइम की कंडीशन में मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा टी माइनस टाउ गिवन टू द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एंड वी गॉट द आउटपुट y ऑफ t व्हिच इज गिवन बाय h ऑफ t माइनस टाउ. सिंस सिस्टम इज लीनियर वी कैन राइट, ध्यान से समझना. ओके हम दोनों सिस्टम को मर्ज कर रहे हैं. एक तो है ये है x of t क्या था? कंटिन्यूस टाइम वाला था. अब हम क्या कर रहे थे? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ये हमें मिला. ओके अब हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? कंटिन्यूस टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. ओके तो x of t डेल्टा ऑफ t माइनस tau गिवन टू द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एंड वी गॉट द आउटपुट एज x of t h of t minus tau. ये हमें मिल गया, इतने तक हमें पता चल गया. ओके अब दोनों को हम मर्ज करके करने के बाद हमें जो फाइनली आउटपुट जो भी मैथमेटिकल टर्म्स में मिलेगा वो हमें क्या लिखना पड़ेगा? माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी x of t डेल्टा ऑफ t माइनस tau d tau गिवन टू द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एंड वी कॉल y of t इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी x ऑफ tau h ऑफ t माइनस tau. ओके और यहाँ पे जो भी आपका y ऑफ t मिला वो क्या मिला? ये मिला. ओके इसको क्या बोला जाता है? कन्वोल्यूशन इंटीग्रल बोला जाता है. हमारा जो मेन थियरी था वो हमें मिल गया. क्या? कन्वोल्यूशन इंटीग्रल फॉर व्हाट? कंटिन्यूस टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. ओके okay? जिसके अंदर हमारा x ऑफ t भी आपका आ गया और दूसरा है आपका h ऑफ t माइनस tau भी आ गया. और इसके लिए अगर जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल को इस तरह रिप्रेजेंटेशन किया जाता है y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t इनटू h ऑफ t. ओके ये इंटो वाला जो साइन है वो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, नाउ वेट. अब x of n is equal to t. ओके t कोई भी एक सिस्टम है टू गिवन टू द y of n. ओके xn किसके लिए डिनोट किया जाता है? तो डिस्क्रीट टाइम के लिए डिनोट किया जाता है. तो हम डिस्क्रीट टाइम के लिए देखते हैं तो हमें y of n क्या मिलेगा? t of x of n. ओके अब डेल्टा ऑफ n अगर सेम प्रोसेस है जो अभी हम कर रहे हैं ना वो किसके लिए कर रहे हैं? डिस्क्रीट टाइम के लिए कर रहे हैं. तो डेल्टा ऑफ n गिवन टू द t एंड वी कॉल टी y of n इज इक्वल टू h ऑफ n. ओके तो x ऑफ n का
इक्वेशन क्या बनेगा, के इज इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू प्लस ऑफ इन्फिनिटी एक्स ऑफ के डेल्टा ऑफ एन माइनस के. ओके, वी नो दैट वाई ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स ऑफ एन एंड वाई ऑफ एन इज इक्वल टू टी. एक्स एन की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली रखी गई. ओके, इतना ज्यादा कोई हार्ड नहीं है. इफ वी अज्यूम दैट द सिस्टम इज लीनियर. ओके, सिस्टम अगर लीनियर होता है तो एक्स ऑफ एन क्या मिलेगा, के इज इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू प्लस ऑफ इन्फिनिटी एक्स ऑफ के टी डेल्टा एन माइनस के. लेट टी डेल्टा एन माइनस के इज इक्वल टू एच ऑफ एन ऑफ के. ओके, एच ऑफ एन ऑफ के हमें क्यों लेना है, क्यों, दैट इज रिस्पॉन्स विल बी शिफ्टेड टू इम्पल्स सीक्वेंस बी डिनोटेड बाय एच ऑफ एन ऑफ के. ओके, जो हम जो लीनियर ले रहे थे उसको अभी हम क्या करें, इम्पल्स सीक्वेंस के अंदर कन्वर्शन कर रहे हैं, तो हमें ये फॉर्म के अंदर हमारा आउटपुट मिलेगा. इफ यू नो दैट सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, धीरे धीरे करके हम शिफ्ट हो रहे हैं. देखो, पहले इम्पल्स सीक्वेंस के अंदर कन्वर्जन किया, अब टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के अंदर कन्वर्जन करते हो, तो एच ऑफ एन ऑफ के को क्या लिखना पड़ेगा, एच ऑफ एन माइनस के लिखना पड़ेगा. ओके, और लास्ट में वाई ऑफ एन का जो भी लास्ट फॉर्मूला मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस ऑफ इन्फिनिटी एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के. यानी कि जब भी आपको डिस्क्रीट टाइम के लिए ये थियरी पूछी जाए तो ये यहाँ तक आपको इक्वेशन को डिराइव करना पड़ेगा. और अगर आपको सिर्फ कंटिन्यूस टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए बोला गया तो यहाँ तक ही थियरी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके, बट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस होल थियरी विच इज कंटिन्यूस टाइम इंटीग्रल. क्यों ऐसा क्यों हमें करना है, क्योंकि अगर हमको कंटिन्यूस टाइम इंटीग्रल का मेनली कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो ये आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, समझो. ओके, ये आप डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि चलो कंटिन्यूस टाइम जो भी कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है. ओके, तो उसके अंदर कंटिन्यूस टाइम इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है. ओके, और वो आपको पता चल गया होगा तो आप इजीली वो देखें. ओके, थैंक यू सो मच.